डॉक्टर इला जलोटे और मेरे साथ हैं पूनम एंड अमित, जिनके अभी भी ट्विन बचे हुए हैं। एंड इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी एंड काफ़ी मेहनत से हम तीनों ने साथ में इसको फॉलो करी है। और मैं चाहती थी कि एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पूनम एंड अमित, एंड इसके बाद आई वॉन्टेड पूनम टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ हर स्टोरी, जिससे कि बाकी भी जो हमारी फीमेल्स हैं जो इसके साथ स्ट्रगल कर रही हैं विद अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। एंड व्हेन पूनम फर्स्ट केम कंसीव करने के बाद, इन्होंने ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव की थी एंड इट वाज हाई रिस्क बिकॉज पहले भी 3 मंथ्स में इनका सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से एक लॉस हो गया था। और ये कंडीशन होती है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जिसमें जो सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुहाना होता है, वो अपने आप शॉर्ट होके अचानक से बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है एंड प्रेगनेंसी अपने आप लॉस हो जाती है। तो पहले एक ऐसी हिस्ट्री थी एंड इसके लिए दोनों वरिड थे एंड वी स्पोक, वी टॉक्ड एंड आई मस्ट से कि बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारी एडवाइजेस को फॉलो किया। पहले हमने 3 महीने में इनका सर्विक्स पे एक स्टिच लगाया, जिसको सर्वाइकल एनसर्क्लाज कहते हैं, जिसकी वजह से सर्विक्स शॉर्ट नहीं हो पाता और खुल नहीं पाता प्रीमेच्योरली, जल्दी अपने समय से पहले खुल नहीं पाता है। तो वो सर्वाइकल एनसर्क्लाज हमने 13 वीक्स पे किया एंड प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करी एंड वी केप्ट वेटिंग कि हाँ, अच्छे से हो रहा है हो रहा है। फाइनली 37 वीक्स पे ये दोनों ट्विन्स आए। ये बड़े वाले हैं, ही इज़ 3.5 kgs एंड वो छोटे वाले हैं, वो 2.75 kg हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसी में अच्छे, इतने अच्छे वेट के बेबीज़ होना रेयर होता है हम लोग के लिए भी, क्योंकि ट्विन्स में भी मुश्किल होता है पूरा टर्म तक कैरी करना। बट ये पूनम की बहुत हिम्मत की बात है कि उसने लास्ट तक टर्म तक बच्चों को कैरी किया एंड इतने प्यारे प्यारे दो हेल्दी ट्विन्स हमें दिए। एंड अभी मैं चाहूँगी पूनम थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बताए दैट उसको क्या चैलेंजेस फेस हुए एंड कैसी रही उसकी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. आपके लाइक विथ योर हेल्प द ओवरऑल जर्नी वॉज वेरी वेरी गुड फॉर मी. सो लेट मी स्टार्ट. हमने जब पहले ट्विंस डिटेक्ट किए थे, जब हमें पता चला कि ट्विंस है, और एक्चुअली मेरी प्रीवियस हिस्ट्री थी मिसकैरेज की, जैसा कि मैम ने बताया, तो लाइक वी आर वेरी स्केयर्ड कि ट्विंस ट्विंस हैं और सर्वाइकल मतलब यूटरस भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हाउ हाउ वी बी एबल टू मैनेज, पहले कैसे होगा. तो हमने हॉस्पिटल्स देखने स्टार्ट किए कि कौन से हॉस्पिटल, शॉर्ट लिस्ट किया डॉक्टर्स को. फिर नियरेस्ट टू आवर लोकेशन वी स्टे इन कापासेड़ा, तो दिस हॉस्पिटल वॉज वेरी नियर टू इट. तो हमने फिर डॉक्टर्स के प्रोफाइल्स देखे, रिव्यूज़ चेक किए, उनमें से हमने इला मैम का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लगा, रिव्यूज़ भी चेक किए, उनमें भी सारे पेशेंट्स ने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए थे. सो वी गॉट द कॉन्फिडेंस कि चलिए हम इला मैम से ही कराते हैं अपनी जर्नी. गो अहेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमारा ट्रैवलिंग का प्लान था कि हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन मैम ने भी ये बहुत हेल्प किया कि इस स्टेज में 2 मंथ्स में शिफ्ट करना काफ़ी रिस्की हो जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग हमने मैम का एडवाइस फॉलो किया और वी पोस्टपोन आवर शिफ्टिंग टू अदर लोकेशन. एंड देन फिर मैम काफ़ी सपोर्टिव रही थ्रू आउट द जर्नी. हमें मैम काफ़ी टाइम भी देती थी अपने, हमने देखा कि सारे पेशेंट्स को, सबको मैम काफ़ी टाइम देती थी, बहुत सपोर्टिव थी और काफ़ी हेल्पफुल थी. काफ़ी एडवाइसेस मिले, हमने उन एडवाइस को फॉलो किया. सो थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी अच्छा रहा. वन इंसिडेंट इज़ लाइक जब सर्वाइकल सर्कलाज हुआ था हमारा, तो मुझे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, तब भी मैम वीकेंड संडे को भी आई थी. उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया उससे, मतलब और मैम मतलब कभी भी व्हाट्सएप पे, कॉल पे, ऑलवेज शी इज़ अवेलेबल. सो वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम थ्रू आउट द जर्नी. एंड या शी इज़ वेरी इजली, कभी भी आप रीच आउट कर सकते हो मैम को, शी इज़ वेरी क्विक इन रिस्पॉन्डिंग इन व्हाट्सअप और फोन और पर एनी चैनल. एंड शी गिव्स वेरी, बहुत टाइम देती हैं अपने पेशेंट्स को एंड हमें काफ़ी एडवाइसेस मिलती हैं
उनसे, और कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट्स हो, हम काफ़ी कंफर्टेबली मैम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू पूनम इतने उसके लिए। मैं चाहती हूँ तुम बताओ कि जैसे तुम्हारे ट्विन्स में थे लास्ट में, एंड नेचुरली 3.5 केजी एंड 2.75 तक लास्ट में हो गया था वेट, तो तुम्हारे लिए मोबिलिटी भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गई होगी, एंड साथ में सर्कलाज भी था, तो तुम कैसे मैनेज करते थे एंड क्या तुम्हें मोटिवेटेड रखता था टू कीप गोइंग? बिकॉज आई विल से वन थिंग कि एडवाइजेस तो हम देते हैं, बट ऐसे भी पेशेंट्स रेयर होते हैं जो टू द बुक फॉलो करते हैं, एंड पूनम एक तरीके से परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप अच्छे से फॉलो करो एडवाइजेस तो चीज़ें चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, देर इज़ अ हैप्पी एंडिंग। तो जैसे मुश्किल होता था तुम क्या सोचते थे, वॉट यूज टू बी दैट गाइडिंग फोर्स कि नहीं यार तुम सोचते नहीं बस करना है तो जो है करना है, वॉट यूज टू कीप यू मोटिवेटेड? ऑब्वियसली आपके पॉजिटिव पॉजिटिव मोटिवेशन से आप बोलते थे कि हाँ इट्स नॉट इम्पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी डन, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन उसकी तरह से। तो आपके एडवाइसेस और उसको फॉलो करके, एंड सेकेंड थिंग इज एक वो भी था कि मेरी एक्चुअली एक फ्रेंड भी है, उन्होंने भी काफ़ी मतलब वो भी उसने भी काफ़ी मतलब गाइड किया था। बेसिकली यही है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एंड एज अ कम्युनिटी एज डॉक्टर्स भी गिव एडवाइजेस, पेशेंट्स फॉलो करते हैं, एंड आसपास की सक्सेस स्टोरीज सुन के बहुत मोटिवेशन मिलता है दैट यू फॉलो वेल तो सब अच्छा होगा, एंड इसकी हैप्पी दो दो हैप्पी एंडिंग्स हम दोनों की गोदी में है। सो यही दिस वॉज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो टूडे, जस्ट टू हेल्प एंड मोटिवेट द पीपल अराउंड हु आर स्ट्रगलिंग विद अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अपने आप को एंगेज रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली वन पॉजिटिव फैक्टर वाज सी इज वर्किंग, एंड ड्यू टू वर्क एलोकेशन सी ऑलवेज एंगेज इन दैट। सो ये भी बहुत पॉजिटिव बात है कि इतने हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड ट्विंस के साथ भी पूनम कंटिन्यूड वर्क टिल वेरी लास्ट तक वर्क करा, गुड इसमें वो था। तो बेसिकली फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइसेस and keep a positive thinking. Yeah. किसी भी high risk pregnancy में positive thinking, मतलब आप advices तो follow करिए ही करिए, but positive thinking बहुत important है. That is very necessary. And that is it from our side for today. Yeah. ठीक है. Thank you so much, ma'am. Welcome. For your well-guided advice and everything. Thank you so much and congratulations again to Poonam and Amit. ठीक है. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.